तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एसएसबी रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसएसबी में एक भर्ती निकला है, तो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसमें हम बताते हैं पूरी जानकारी कि आप क्वालिफिकेशन रहेगा, कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कितना सैलरी मिलेगा दोस्तों, कब तक ऑनलाइन होगा, पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बन रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, टोटल वैकेंसी देख सकते हैं 1656 पदों पर यहाँ पे निकाली गई है। आप यहां पे देख सकते हैं, देखिए कैटेगरी वाइज करके दिया गया है वैकेंसी दोस्तों, किस पद के लिए कितना यहां पे निकाला गया है। तो देख सकते हैं असिस्टेंट कमांडो के लिए देखिए यहां पे 18 वैकेंसी दिया गया है, सब इंस्पेक्टर के लिए 111 दिया गया है, आईएएस के लिए देखिए 30 दिया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया, उसी प्रकार से पूरी जानकारी देखो, कॉन्स्टेबल के लिए दिया गया 543। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। इसका प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन होगा दोस्तों, देख सकते हैं पूरे भारत के लिए जॉब निकाला गया है, पूरे ऑल ओवर में कहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट। आप यहां पे देख सकते हैं, अगर सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपया तक पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा इसमें। और देखिए एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया है, जो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया है, और वहीं एससी और फीमेल कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो 18 से 23 वर्ष आपका एज होना चाहिए तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी के लिए देखिए 18 से 26 वर्ष दिया गया है, और वहीं एससी के लिए 18 से 28 है तो भी अप्लाई कर सकता है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाइट के बारे में बताया गया है, जो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए चेस्ट के बारे में बताया गया है, जो 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं लॉन्ग जम्प के बारे में बताया गया, 5 किलोमीटर का देख सकते हैं, रनिंग 24 मिनट में होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया पूरी जानकारी यहाँ पे। यहाँ पे देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए दौड़ बताया गया है, 1600 मीटर का दौड़ 8 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा दोस्तों। देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो आपके पास देख सकते हैं फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए दोस्तों, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी तरह से और भी डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है पूरी। और देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, फिजिकल टेस्ट होगा, राइटिंग एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो 10वीं और 12वीं पास है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए हर एक क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, इसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, लास्ट डेट 27 जून तक चलेगा। और देखिए यहाँ किस तरह से अप्लाई करना उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जिसे पढ़कर आप अपने से ऑनलाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पे सब कैटेगरी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, चाहे तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इसका लिंक भी हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जॉब की जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।